ए बी सी डी गिवन है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ए को डी से मल्टीप्लाई, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यानी ए डी माइनस बी सी। सेम प्रोसेस इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू माइनस वन माइनस डॉम में प्लस अप में माइनस 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 5 इंटू 4, यह हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस में होगा 20, आंसर आ गया 18। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड का वन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 गिवन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे साइन है और कॉस। सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अपने माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हम लोग फार्मूला क्लास 10 में ही पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो 2 का 1 नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। सेम प्रोसेस से बनाएंगे इसको भी और कैलकुलेट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सेम प्रोसेस से एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को, माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, माइनस एक्स और प्लस वन, प्लस वन और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे ये इससे कैंसिल, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। कैलकुलेट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन, तो ओवरऑल आंसर यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ये मेरा आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखेंगे, इफ ए बराबर, ए का वैल्यू गिवन है 1 4 2 2, then show that
2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इनटू a डिटरमिनेंट। तो a मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले 2a निकालेंगे। 2a एक मैट्रिक्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 2 2 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, 2 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8, 2 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहां पे हम लोगों को निकालना है 2a का डिटरमिनेंट, तो 2a का डिटरमिनेंट का मतलब 2 4 8 4 और कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसेस से 2 into 4 माइनस माइनस 8 इंटू 4, यहां पे आंसर आ जाएगा 8 माइनस 32, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 24। ये हम लोग का LHS फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेम प्रोसेस से RHS कैलकुलेट करेंगे, तो RHS में गिवन है 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले a गिवन है 1 2 4 2 1 2 4 2, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद अब यहां पे हम लोग a का डिटरमिनेंट 1 2 4 2, तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 8 यानी माइनस 6 माइनस 6। a का डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया माइनस 6। RHS में 4 इंटू ए डिटरमिनेंट, तो 4 लिख दिए और a डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस 6 माइनस 24 लास्ट में लिख देंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये हम लोग को वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम प्रोसेस से बनेगा, बस यहां पे 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट करते हैं, 4 क्वेश्चन a गिवन है, a का वैल्यू है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, then so that 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 इनटू a का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे, तो LHS में है 3a, 3 ये मैट्रिक्स है तो a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 2a। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 3 into a का डिटरमिनेंट 3 0 3 0 3 6 और 0 0 2a। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, तो एक्सपेंड करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद यहां से हम लोग एक्सपेंडिंग
लॉन्ग आर वन, आर वन के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे थ्री, हम लोग जानते हैं एक्सपेंड करने का प्रोसेस, प्लस माइनस प्लस, आर वन के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे थ्री, इसका रो और कॉलम को ढकना है, बचा थ्री जीरो सिक्स ट्वेल्व, फिर यहां पे माइनस जीरो, यहां पे आ जाएगा जीरो जीरो, यहां आ जाएगा सिक्स ट्वेल्व और प्लस थ्री लिखेंगे तो यहां आ जाएगा ये कॉलम और ये रो, यानी बचा जीरो जीरो थ्री जीरो और जीरो जीरो थ्री जीरो। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे थ्री इंटू थर्टी सिक्स माइनस जीरो माइनस जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, यहाँ पे थ्री थर्टी सिक्स माइनस जीरो प्लस जीरो, यानी कैलकुलेट करने के बाद एट नाइन टेन, 108 आ गया LHS। अब हम लोग को सेम प्रोसेस से RHS बनाना है तो RHS अब हम लोग लेके चलेंगे, RHS कैलकुलेट करेंगे, RHS का आंसर ही 108 आना चाहिए तो 9 RHS, RHS में है 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट, सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालें तो ए का डिटरमिनेंट का मतलब 101 101 012 012 004 004, इसको सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, तो यहां लिखेंगे वन ये कॉलम और ये रो, 1024 माइनस जीरो, माइनस जीरो लिखने के बाद ये कॉलम और ये रो 0024 प्लस वन, ये कॉलम और ये रो 0010। ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद वन ये हो गया फोर माइनस जीरो, माइनस जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस वन जीरो माइनस, तो कैलकुलेट करने के बाद आ गया फोर। अब हम लोग यहां से कैलकुलेट करें तो RHS में गिवन था 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट, 27 और ए का डिटरमिनेंट है 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 10 लिखेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोग कर लिए, अब सेम प्रोसेस से 5 का 1 बनेगा 2 3 एंड 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 5 का सब सेम प्रोसेस से 3 ऑर्डर बनेगा, अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ, क्वेश्चन नंबर 6 ए का वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स 1 2 -1 1 1 -1
1 1 minus 2 2 1 minus 3 2 1 minus 3 5 4 minus 9 5 4 minus 9 then find determinant A then find A का determinant A का determinant A का determinant find out करना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन में A का determinant तो हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 minus 2 minus 3 9 अब यहां पे लिखेंगे प्रोसेस एक्सपेंडिंग मेथड एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे प्लस माइनस प्लस सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आएगा 1 इसका कॉलम और रो ये डिलीट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 1 4 minus 3 9 यहां पे हो गया minus 1 यहां पे इसका कॉलम और इसका रो 2 5 minus 3 9 2 5 minus 3 और 9 plus minus plus तो plus minus यहां पे minus लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा ये माइनस 2 लेंगे इसका ये और ये 2514 2514 अब हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 1 4 माइनस माइनस प्लस 12 तो यहां पे हो गया 1 को 9 से करेंगे तो यहां पे 9 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 1 18 प्लस 15 माइनस 2 8 माइनस 5 कैलकुलेट करेंगे तो यहां 1 यहां पे कैलकुलेट करने के बाद 121 यहां पे कैलकुलेट करेंगे 11 1 1 माइनस 1 यहां पे 5 3 8 8 और 5 और प्लस करेंगे तो 13 1 प्लस 1 2 और 1 4 5 8 13 1 प्लस 1 2 2 और 1 अब हम लोग यहां पे देखेंगे तो माइनस 2 इंटू ये हो गया 3 तो कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल आंसर इसका हम लोग लिखते हैं यहां से ये हो जाएगा 21 माइनस 33 और माइनस 6 21 माइनस 39 कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 1 9 में से 1 8 और 1 माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा माइनस 8 तो 6 नंबर हो गया सेम प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं और 8 8 तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे सेम प्रोसेस से और कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तो 7 का 1 7 का 1 है 2 5 4 1 इक्वल टू 2x 6 4x सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है ये 2 को 1 से तो 2 माइनस 20 2 माइनस 20 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18 2x स्क्वायर माइनस 20 अब हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दैट
implies यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 6 is equal to 2x square, x square is equal to 3, is cancel. Therefore x का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए 7 का 1. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 8x 18 2x, यहां पे x. क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड x, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा. 6 2 18 और 6 2 18 और 6 कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसेस से. x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, इसे कैंसिल. x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. ये मेरा आंसर हो गया 8 का. अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन. Given at 2, 4, 3, 5 equal to x, 2x, 3, 5. चलिए सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे. 2 into 5, 10 minus 12 is equal to 5x minus 2, 3 is 6x. यहाँ पे minus 2 is equal to minus x, minus cancel, x is equal to 2. NCERT exercise 4.1 का हम लोग overall question कर लिए हैं. अब हम लोग next class में